स्वागत है आप लोगों का क्लास 10 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सीरीज 32 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन का क्या कारण था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और इनके कारण जो है निम्नलिखित हैं। देखते हैं, आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। पहला कारण जो हमारा है वो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था की असफलता और आर्थिक क्या है, संकट। दूसरा जो कारण है, गार्बोचेव के सुधारों ने असहमति और अस्थिरता क्या है, बढ़ाई। अगला है, विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता की क्या है, मांग। अगला है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का क्या है, समापन। अगला पॉइंट है हमारा, राजनीतिक असहमति और तानाशाही ने संघ को क्या है, तोड़ा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ? 1878 में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ 1878 में। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगाना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रकाशित विरोधी सामग्री को रोकना था, ताकि जनता जो है वो अंग्रेज सरकार द्वारा जो की जा रही थी कुरूतियाँ थी उसको ना जान सके। इसके तहत भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और सरकार की अनुमति के बिना समाचार पत्र प्रकाशित क्या है, करना कठिन बना दिया गया, ताकि लोग जो है सरकार की बुराइयों को ना जान सके। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और तुर्की खलीफा के संरक्षण के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में उनका साथ देना चाहते थे। यह भारतीय मुस्लिमों के बीच एकता बढ़ाने और स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक बनाने का एक क्या है, अवसर था। अगला प्रश्न हमारा, रॉलेट एक्ट से भारतीय क्यों क्रोधित थे? बताता, रॉलेट एक्ट 1919 से भारतीय क्रोधित थे क्योंकि यह भारतीयों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार निरोधी कारावास अधिकार देता था, जिससे उन्हें बुरी तरह दमन और उत्पीड़न का क्या है, सामना करना पड़ा। यह भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन था। इसमें बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे महान नेताओं की क्या है, गिरफ्तारी हुई। अगला प्रश्न हमारा, नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? तो नपाम और एजेंट ऑरेंज वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किए गए रासायनिक क्या है, हथियार थे। बताता, नपाम एक ज्वलनशील पदार्थ था जिसे आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जंगलों में छुपे हुए सैनिकों को नुकसान क्या है, पहुंचाता था। दूसरा है एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक छिड़काव था। इसका उपयोग जंगलों को साफ करने के लिए किया गया ताकि छुपे हुए वियतनामी सैनिकों को देखा जा सके, लेकिन इसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कैंसर और जन्म दोष भी क्या है, उत्पन्न हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।